खबर यूपी के कानपुर से। कानपुर में मुहर्रम जुलूस मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पाकिस्तानी संगठन के उकसावे पर भड़काऊ नारे लगाए गए। मंदिर के सामने उपद्रवियों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखते थे वीडियोस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। मुहर्रम जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा के लगे थे नारे। मंदिर के सामने उपद्रवियों ने ये नारे लगाए थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया था और कहा जा रहा है कि सीखे भी ये लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए ही थे ये सब। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी संगठन के उकसावे पर बताया जा रहा है कि भड़काऊ नारे इन युवाओं की ओर से लगाए गए थे। पूरे मामले की गहनता को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए गहनता से जांच की जा रही है पुलिस की ओर से, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ संगठन जिनके बहकावे में आकर, जिनके उकसावे में ये नारे सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। अब जांच उस पर चल रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से। बताया जा रहा है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी जो संगठन हैं, जो पाकिस्तानी आका हैं, उनके साथ संपर्क में थे ये सभी। चार लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों की गिरफ्तारी का दावा जल्द ही पुलिस कर रही है। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा के लगाए गए थे नारे। माहौल खराब करने की हुई थी कोशिश और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ संगठन हैं जिनके संपर्क में ये युवा थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। पिछले कितने लंबे समय से संपर्क में थे ये पाकिस्तानी संगठनों के, कितना बड़ा नेटवर्क है, क्या किसी और चीज़ के लिए भी उकसाया गया था, क्या फंडिंग इन्हें मिली थी, ये सब पता लगाने में पुलिस जुटी है।